ये है दिल्ली दर्पण। फरीदाबाद के गांव इमामुद्दीनपुर में लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन किसी की नींद नहीं टूटी। इसके बाद अब मामला ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पहुंचा, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने टीम गठित कर सभी अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए और उसी के तहत प्रशासनिक टीम बीडीपीओ पूजा के नेतृत्व में ग्राम इमामुद्दीनपुर पहुंची। लेकिन बीडीपीओ का मानना है कि उन्होंने लोगों के सेंटीमेंट्स को देखते हुए उनको 10-15 दिन का समय दिया है। सुनने में ये आया है कि ये लोग 2015 के आसपास काफी लोग बाहर से भी आए थे यहाँ पर, बाद में इनकी वोट बनी है, तो वो तो जांच की जाएगी। बाकी अवैध कब्जा तो अवैध कब्जा ही है, चाहे बाहर के हो चाहे गांव के लोगों ने कर रखा हो, तो अवैध कब्जा तो हमें तोड़ना है। देखिए, अब ये पूरे गांव यहां पर खादर के किनारे ऐसे बसे हैं जो पूरे गांव ही अवैध कब्जे में है, तो पुरानी जितने भी कब्जे हैं उन पर तो अभी किसी तरह के आदेश हमें मिले नहीं है, परंतु जितनी भी नई चिनाई है ये बर्दाश्त नहीं की जाए। इनको अभी हम 10 दिन का दे रहे थे, ये लोग 15 दिन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो 15 दिन का समय देकर और यदि ये नहीं तोड़ते तो मैं फिर से आके कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरे लाभ लश्कर और सरकारी पैसा खर्च कर बीडीपीओ का दस्ता मौके पर पहुंचा तो बिना कार्यवाही के वापस क्यों लौट आया? क्या इसमें किसी की मिलीभगत थी या फिर मामला वाकई लोगों की भावना से जुड़ा है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं का तो कुछ और ही कहना है। बीडीओ साहब आए हैं और आए बिना फोर्स के, पहली बात तो वो आए जब उन्हें पता था कि भाई आज फोर्स के साथ ही आना, तो किसी के पास भी जाएंगे तो सेंटीमेंट तो होना ही पड़ेगा। वहाँ पे मैडम आई, आने के बाद पब्लिक के पास चली गई बिना फोर्स के, इसका क्या कारण समझ सकते हो आप? ठीक है, केवल और केवल मैडम यहाँ पे खाना पूर्ति करने के लिए आई हैं और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है जी, मैडम ने 15 दिन, अरे 3 महीने से हम कंटिन्यूसली आपके पास भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? हम समाज सेवा कर रहे हैं केवल, ये विकास के लिए जमीन बचा रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।